प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे पवित्र आत्मा का काम होने वाला है और होना चालू हुआ है। जब पवित्र आत्मा का काम होता है तभी सारे बंधने छूट जाते हैं, सब बीमारियाँ पार जाते हैं और सब दुष्ट आत्माएँ निकल जाते हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। ये चर्च एक साधारण चर्च नहीं है, ये चर्च पवित्र आत्मा का चर्च है। पेंटिकॉस के दिन समान जब वो पवित्र आत्मा, जब वो शिष्य वो कमरे में बैठे थे, जैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया तभी बदलाव हुआ। वो डरपोक थॉमस वो बोलने लगा, वो पीटर जिसने यीशु मसीह को बिट्रे किया वो तो एक बड़ा सा संदेश और सरमन देने लगा, वो लोगों को चंगाई देने लगा। जब पवित्र आत्मा आ जाता है जो आप नहीं कर सकते हो वो आप करते हो। कौन कहता है कि आप निर्बल हो, कौन कहता है कि आप नाकाम हो, आपसे कुछ काम नहीं होने वाला, कौन कहता है कि आपका कुछ फायदा नहीं है इस दुनिया में, कौन कहता है कि ऊंचाई सक्सेस का ऊंचाई को आप छू नहीं सकते हो, कौन कहता है आपसे कि आप बीमार हो, कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो आप जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बीमार हो। अरे ये रिपोर्ट पढ़ो, ये रिपोर्ट में लिखा है कि हर बीमारी उसने क्रूज पर लिया है, मैं बीमार भला कैसा हो सकता हूँ। अरे ये रिपोर्ट पढ़ो, ये रिपोर्ट में लिखा है मैं तो धनवान हूँ, मैं तो प्रॉस्परस हूँ यीशु मसीह में, मैं तो धनवान हूँ, फिर मेरे जीवन में आर्थिक समस्या किधर से आती है। यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि हमें यीशु मसीह का मन है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, फिर पढ़ाई कैसे हमसे नहीं होता है। सबसे पहला नंबर क्लास में हमें लाना चाहिए, सबसे पहले प्रथम स्थान जॉब्स में हमें मिलना चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर्स को हमें चंगाई देना चाहिए, ना कि डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे पास है वो वही यीशु मसीह जो 2000 साल पहले चल रहा था पृथ्वी पर। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, बहुत सारे लोगों से कह रहा है और बहुत सारे जनों से कह रहा है कि बदलने का समय आ चुका है। द टाइम फॉर रेस्टिट्यूशन इज कम, द टाइम फॉर चेंज इज कम। समय आ चुका है कि हम पुराने नियमों को, पुराने धर्मों को, ये धर्म का जो ये मुखौटा है वो तोड़ के पवित्र आत्मा से भर कर परिपूर्ण होकर सुवार्ता बताने के लिए जाए, लोगों को चमत्कार दिखाए कि हमारे यीशु मसीह आज भी जिंदा है। अरे लालबाग के राजा से चमत्कार नहीं होता है, हमारे यीशु मसीह से चमत्कार होता है, हमारे यीशु मसीह जो जिंदा है उससे चमत्कार होता है। सैकड़ों लोग उधर जाते हैं चमत्कार देखने के लिए। अरे चमत्कार तो हमारे हाथों में है, चमत्कार तो हमारे हाथ में, यीशु मसीह तो चले गए पर यीशु मसीह ने क्या किया, हम सबको अपना अधिकार और पावर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग में सारा अधिकार मुझे दिया गया, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ मेरे नाम में चिन्ह करो, मेरे नाम में भूखे भगाओ, मेरे नाम में रोगों के ऊपर हाथ रखो, वो चंगा हो जाएंगे। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क के लास्ट 16 में ये लिखा है जो विश्वास करते हैं वो सांपों को उठाएंगे और सांप उन्हें ढसेगा नहीं, अगर वो जहर भी पी लेंगे तो जहर उनके ऊपर प्रभावशाली नहीं होगा, अगर वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा तो बीमार चंगाए होंगे। जो विश्वास करते हैं, या फिर ऐसा नहीं लिखा है कि जो पीएचडी करते हैं, जो थियोलॉजी करते हैं, जो पास्टर्स बनते हैं वही रखेंगे, आप भी रख सकते हो। अगर कोई बीमार औरत या आदमी आपके सामने आता है हाथ रखो, होना है तो परमेश्वर का नाम गौरव होगा, तुम्हारा नाम गौरव नहीं होगा, होना है तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, तुम्हारा नाम ऊंचा तो होने वाला नहीं है। क्या हमें उतना विश्वास है परमेश्वर, या फिर एक बीमार आदमी है मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा और ये चंगा हो जाएगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है पेंटिकॉस्ट के दिन समान जैसा पवित्र आत्मा उंडेला गया है, आज वो दिन आ गया, इन द लास्ट डेज आखिरी दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना रूह अपना आत्मा उंडेलूंगा, एक और बार उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान लोग कुछ साइंस देखेंगे, तुम्हारे क्या बोलते हैं बुजुर्ग भी ड्रीम्स देखेंगे, विजन्स देखेंगे और चमत्कार होगा। साधारण चमत्कार नहीं होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ बीमारियों के ऊपर हाथ रखे, ये मूर्ति भी जलाए जाएंगे, तूफान ला सकते, आंधी ला सकते, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास विश्वास है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे अपने वॉलेट के पास देखो, बोलो कि पैसा हो जाए और पैसा हो जाएगा, अगर परमेश्वर ने कहा तो हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा मुमकिन है तो मुमकिन है। अगर एक लंगड़ा आपके सामने आ रहा है, उसका एक छोटा लेग है, उसका एक छोटा पैर है, उसको बोलो यीशु मसीह के नाम में चल तो वो चलेगा। हम तो अपने घर बनाने में व्यस्त हो गए, परमेश्वर का घर कौन बनाएगा, लोगों को कौन बचाएगा, हर पल हर मिनट हर क्षण एक आदमी आपके इलाके में, एक आदमी नर्क के द्वार के अंदर जा रहा है,
नर के द्वार की तरफ आ गया है। एक एक सेकंड लोग मरते जा रहे हैं, एक एक सेकंड लोग नर में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चर्च आ रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रेयर कर रहे और काम पे जा रहे। काम पे जाने के बाद पैसा कमाते, लाते, शादी करते, बच्चा पैदा करते, बच्चा पैदा करने के बाद बड़े हो जाते, बड़े होने के बाद मर जाते। यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाया? यीशु मसीह ने क्यों दिया ये विश्वास? क्यों दिया? यीशु मसीह ने इसलिए दिया ताकि हम जाके शिष्य बनाए और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे और उनको चंगाई दे और उनको बताए कि एक ही जीवंत परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। आपके विश्वास के साथ आप क्या कर रहे हो? मैं तो परमेश्वर में 50 साल से हूँ, मैं तो परमेश्वर में 60 साल से हूँ, मैं तो परमेश्वर में 30 साल से हूँ। 30 साल से क्या हुआ? 30 साल से क्या हुआ? ये हमारा क्रिश्चियनिटी है। है तो मैं क्रिस्टी पर अंदर खोखला खोखला। एक ब्यूटीफुल बड़ा सा जार था, बहुत बड़ा जार था, पुराना था, 500 साल पहले पुराना वो लोग बोल रहे थे। और इट वॉज सो ब्यूटीफुल, इतना महान जार था कि सब लोग देखने के लिए आते थे कि इतना जाड़ा जार, इतना अच्छा जार, इतने सदियों से पहले ये जार खड़ा हुआ है और अभी तक गिरा नहीं है। पर एक दिन ऐसा आया जब वो जार गिर गया। और गिर गया तो कैसे गिर गया? उनको पता चला था कि ये जार अंदर से खोखला हो चुका था, कीड़े खा गए थे ये जार को, खोखला हो चुका था। क्या हमारे क्रिस्तीपन में भी ऐसे ही है? हम क्रिस्ती तो है पर अंदर से खोखले हैं। खोखले क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा वो चमत्कार करेगा। हमारे हाथों से चमत्कार हो रहे क्या? हमारे हाथों से चमत्कार हो रहा? फिर यीशु मसीह को अपना आने के हमारे क्या लक्ष्य है? यीशु मसीह को अपना के हमारा क्या फायदा हुआ और यीशु मसीह का क्या फायदा हुआ? सिर्फ एक क्रिस्ती बना दिया, एक नाम लिखा, एक टैग लिखा, बस मेरा सरनेम रॉजर फुटाडो, फुटाडो मिल गया मुझे, बस मैं खुश कि मैं फुटाडो परिवार का हूँ। इतना ही, सिर्फ नाम चाहिए था क्रिस्ती। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अंदर जाते हो ये लोग तो बेटर है हमसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा ये लोग बेटर है। इस सैटरडे को मैं और मेरी बीवी एक इवेंट मैनेजमेंट की क्लासेस के लिए गए थे, एक प्रेजेंटेशन के लिए। वो इमेज कंसल्टेंट करके एक प्रेजेंटेशन है जिधर हम लोगों को इमेज कैसा बनाना है या सूट कैसा पहनना है या कपड़े कैसे पहनना है वो सिखाते हैं। तो हम सोचे चलो जाके देखें कि ये होता क्या है। तो हम बैठे वहाँ पे, वो हमको सिखा रहे थे कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स, पहले 3 सेकेंड जो है एक आदमी आपके बारे में इंप्रेशन बना देता है। तो जब भी आप नए आदमी को देखते हो 3 सेकेंड में आप इंप्रेशन बना देते हो, हाँ ये थोड़ा इसके जूते ऐसे हैं, इसके कपड़े ऐसे हैं, इसके बस ये अच्छा आदमी नहीं रहेगा पहले 3 सेकेंड में। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज सूट डाल गया। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सूट डाल गया। तो हम बैठे वहाँ पे और सुनते गए बोले कि अगर तुम्हारे तुमसे पहला इंप्रेशन बनाया नहीं गया तो वो आखिरी इंप्रेशन हो जाता है, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, मौका नहीं मिलने वाला है पहला इंप्रेशन बनाने के लिए, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। तो हम भी सोचने लगे इसलिए आज से ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। मेरी बीवी भी आज ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका बर्थडे ऐसे सच दच के आए। तो हम सच दच के आए। ऐसा ही एक आदमी था जो एक फरीसी था, सदियों से उसको लग रहा था कि वो क्रिस्ती था, सदियों से उसको लग रहा था, क्रिस्ती नहीं फरीसी था, सदियों से उसको लग रहा था कि वो मूसा के लॉज और तौर तरीके अच्छे तरह से जानता था। पर एक दिन ऐसा आया इस आदमी के जीवन में वो शॉक में गिर गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा करंट मिल गया, क्योंकि सदियों से जो वो कर रहा था वो गलत हो गया। इतना समय उसने बिताया, इतना समय उसने शास्त्र पढ़ने के लिए, बायहाट करने के लिए बिताया, और इतने समय के बाद उसे एक शॉक मिलता है जब वो यीशु मसीह के पास जाता है। फरीसी लोग कौन होते हैं? पहले भी मैंने बताया, फरीसी लोग वो होते हैं जो नियम शास्त्र को बहुत मानते हैं, मूसा के लॉज, द लॉज, तोरा को बहुत मानते हैं। वो लोग जब पुराने नियम में और नए नियम के बीच में 400 साल का एक गैप था, 400 साल के लिए परमेश्वर ने किसी से बातें नहीं किया था, परमेश्वर ने किसी से कुछ भी बोला नहीं, तो 400 साल के लिए एक साइलेंस पीरियड था। ओके, इस साइलेंस पीरियड में बहुत से झगड़े और लड़ाई हो चुका था। लड़ाई होने के बाद इसराइल लोगों को उन्होंने बैबिलोन कैप्टिविटी में लेके गए थे, बैबिलोन देश में रखा था, तो परमेश्वर ने उनको बैबिलोन से वापस लाया। अभी वापस आने के बाद ना उनके पास रिलीजियस सिस्टम था,
ना उनके पास कुछ तौर तरीके थे, ना उनके पास कुछ भी था, क्योंकि वो अभी तो वापस अपने शहर वापस आ गए। तो नहमाया और इज़रा जो पुराने नियम शास्त्र में है, उन्होंने सोचा कि हम वापस बाइबल लाए, वापस तोरा को लाए, वापस नियम शास्त्र लाए। तो उन्होंने ऐसे लोगों को नियुक्त किया जिससे वो लोग दिन रात पढ़ाई कर सकते बाइबल के बारे में। ये लोग जो थे वो फरीसी थे, ये लोग जो थे फरीसी थे। और इन फरीसियों ने क्या सोचा, अब हमको मालूम है वेदास में दो तरह के ये होते हैं, स्मृति और श्रुति होते हैं, राइट। जो लिखे हुए ट्रेडिशंस आते हैं और जो बोले हुए ट्रेडिशंस आते हैं। तो फरीसी ने सोचा कि लिखा हुआ ट्रेडिशंस तो है हमारे पास, चलो हम इसको ऐड करते हैं। तो उन्होंने बोला हुआ ट्रेडिशंस भी ऐड कर दिया। लोग तो नादान थे, उनके सामने उन्होंने बोल दिया कि ये भी ट्रेडिशन है, ये भी ट्रेडिशन है, ऐसे ट्रेडिशन 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 बना के लंबा स्ट्रिंग का एक बड़ा सा ट्रेडिशन बना दिया। लास्ट टाइम मैंने कहा था फरीसीज ने इतने ट्रेडिशंस बनाए कि सबत के दिन एक औरत आईने में नहीं देख सकती है अपने आप को। क्यों? क्योंकि अगर आईने में देखेंगे तो उस समय में हेयर डाई नहीं होता था, तो अगर सफ़ेद बाल दिखा और औरत ने वो सफ़ेद बाल खींच लिया तो वो काम हो गया। तो सबत के दिन में औरत आईना नहीं देख सकती है। उसके बाद उसने एक और ये बनाया कि जब कुछ गले का खराश रहता था या कुछ ऐसे बीमारी रहता था, वो लोग सिरका पीते थे, थोड़ा ऐसे गार्गल करके वो लोग थूकते थे। सिरका मालूम है ना, विनेगर, विनेगर है ना, सिरका विनेगर, विनेगर पीते थे। पर फरीसीज ने ऐसा लॉ बनाया कि विनेगर पी के अब खून निकलना है, आप थूक भी सकते हो। तो अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको विनेगर पीना है। अगर आपने थूका तो वो काम हो गया और सबत का आपने सबत के लॉ को तोड़ा। ऐसे छोटे छोटे सबसे बेस्ट वाला तो वो था, अगर आपको मुर्गी ने अंडा दिया और आपको वो अंडा खाना है तो आप वो अंडा खा सकते हो, पर अगले दिन आपको मुर्गी को मार डालना होगा। क्यों? क्योंकि मुर्गी ने सबक के दिन अंडा दिया। इतनी छोटी छोटी चीज फरीसी लोगों ने बनाया, इतनी छोटी छोटी चीज फरीसी लोगों ने बनाया। और इन सबका राजा, इन सबका महान, जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे एक्सपर्ट, सबसे स्कॉलर वाला जो आदमी था वो निकोदेमस था। निकोदेमस एक रब्बाई था, बहुत ज्ञानी आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी। इनफैक्ट उसका नाम बहुत फेमस है। वर्स 2 में ऐसा लिखा गया है कि ये निकोदेमस आदमी जो है ये यीशु मसीह के पास रात को आया। कब आया? रात में आया। क्यों? बहुत सारे जन कहते हैं कि निकोदेमस के दिल में खोट था, निकोदेमस के दिल में पाप था, इसलिए निकोदेमस रात के समय में आया। नहीं, रब्बाई का जो ट्रेडिशन है वो ये है कि वो लोग रात के वक्त पढ़ते थे, रात के वक्त पढ़ाई करते थे या रात के वक्त मेडिटेशन करते थे। क्यों? क्योंकि दिन में उनको काम करना पड़ता था, दिन में पासओवर फसल का पर्व था, दिन में पासओवर का फीस था, बहुत सारा कामकाज रहता था, इसलिए रात के वक्त वो लोग शांत बैठ के पढ़ाई करते थे। तो निकोदेमस एक रब्बाई था और उसने अभी देखा कि यीशु मसीह ने क्या हल्ला किया वो जेरूशलेम टेम्पल में, सबको मार भगाया उधर से, इसलिए वो यीशु मसीह के पास गया रात में और बोला, यीशु मसीह ऐसा बोला, रब्बाई हमें पता है कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक आदमी है, क्योंकि जो तू चमत्कार करता है वो कोई नहीं कर सकता है सिवाय उसका जो परमेश्वर की ओर से आता है। उन्हें पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है। वो स्त्री देखो, लेट्स रीड, वो स्त्री, दिस इज वेरी फनी, ये बहुत बड़ी सी फनी है। वो स्त्री, लेट्स रीड वो स्त्री, जॉन चैप्टर 2 वर्स, आई मीन 3 वर्स 3, या यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने तो ये सवाल नहीं पूछा, निकोदेमस ने ये सवाल नहीं पूछा कि मैं बॉर्न अगेन कैसे हो सकता हूँ या मैं नया जन्म कैसे पा सकता हूँ। निकोदेमस ने सिर्फ बोला कि मुझे मालूम है कि तुम परमेश्वर की ओर से भेजे हुए एक व्यक्ति है। और यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला कि अगर मैं सच सच कहता हूँ कि कोई भी अगर नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अरे
पर निकोदेमस ने कुछ पूछा ही नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बताया? रीड वर्स 23, 24 एंड 25 ऑफ चैप्टर 2। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जब वह यरूशलेम में फसल के समय पर में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को देखकर जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। बहुत लोगों ने उसके चिन्हों को देखकर उसके नाम पे विश्वास किया, पर ये सेविंग फेथ नहीं था, ये बरबर विश्वास नहीं था, ये सिर्फ चिन्हों को देख के विश्वास किया। आगे देखो 23 chapter 2 verse 23। तो वलाने को सलाह दिया यरूशलेम के अस्ताना जाने के लिए चिन्ह पाऊं पुष्कर लोगों ने त्याचा नामा में विश्वास ठेवला। येशू ने तो सर्वांची ओळख असल्यामुळे त्याने स्वतःला त्याच्या हाती सोपवले नाही। आणखी मनुष्याविषयी कोणी साक्ष द्यावी त्याची त्याला गरज नव्हती, कारण मनुष्य काय आहे याचे ज्ञान त्याला स्वतःला होते। याचे ज्ञान त्याला जो मनुष्य में है यीशु मसीह जानता था, करेक्ट, जो मनुष्य में है यीशु मसीह जानता था। इसलिए जब निकोदेमस आया था, निकोदेमस ने बोला कि तू परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक आदमी है। जीसस ने बोला जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता वो राज्य में दाखिल नहीं हो सकता या राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब निकोदेमस के दिल में एक ऐसा भूख था, एक ऐसा प्यास था कि परमेश्वर की आत्मा को कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में कैसे एंटर कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उसे देखा, बोला कि तेरे दिल में ये चल रहा है। दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दान, द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का गिफ्ट है। यीशु मसीह ने उसकी आंखों में देखा। शमरोनी स्त्री भी जब बैठी थी, यीशु मसीह ने उसकी आंखों में देखा, बोला कि तुम्हारी को चेप दिया है। पांच है और फिर छठवा जो है वो नहीं करेक्ट है। तो यीशु मसीह ने उनके आंखों में देखा, उनको पता था। तो निकोदेमस जब बैठा था ऐसा लगता होगा कि मैं साफ हूं, मेरे दिल के हर बात यीशु मसीह तक जा रहा है। तो निकोदेमस ने क्या कहा, यहां पे देखो वस्त्री। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस इतने सालों से एटलीस्ट वो बूढ़ा हो गया रहेगा, 50-60 years का तो आदमी हुआ रहेगा वो। 50 years से यीशु मसीह मैं परमेश्वर का स्तुति कर रहा हूँ, 50 years से मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा हूँ, 50 years से मैं रिलीजियस कोट पहन के सब जगह जा रहा हूँ, मैं जो लोगों को सिखा रहा हूँ, तू मेरे को बोल रहा है, तू मुझे कह रहा है कि वापस से मुझे नया जन्म लेना है, मुझे तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, तुझे मालूम है कि मैं ये पवित्र शास्त्र सिखाता हूँ, और तू मुझे कह रहा है कि मुझे नया जन्म लेना है। आपको पता है अगर मैंने आज कुछ कहा तो सब ये भी बोल सकते, अरे बाइबल को हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, बाइबल को हम इतने सदियों से पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फिर ये नया चीज़ क्या सिखा रहा है तुम्हारे, कोई इतने आसानी से लेता नहीं, कोई इतने आसानी से लेता नहीं है। अगर मैं पियानो में माहिर हूँ, अगर मैंने ट्रिनिटी कॉलेज के सारे एग्जाम्स दे दिया और मैं पियानो अच्छे से बजाता हूँ और एक छोटा बच्चा आकर मेरे को बोला ऐसा नहीं बजाना, मैं बोलूँगा है तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कैसा बजाना है। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, यीशु मसीह ने बोला ये निकोदेमस तूने बहुत कुछ किया जिंदगी में, तूने ये सब कुछ बाय हार्ट भी कर लिया, पर इसका कुछ फायदा नहीं है, ये तेरे को स्वर्ग में लेकर नहीं जाने वाला है। जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है वो है तेरे नया जन्म, यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। निकोदेमस को लगता होगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर आगे देखो क्या होता है, निकोदेमस ने उससे कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसा जन्म ले सकता है, बस वो क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। अरे निकोदेमस तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसे भी पता होना चाहिए कि वापस माता के गर्भ में जाके हम जन्म नहीं ले सकते, तो ऐसे बेहुदा सवाल क्यों पूछा उसने यीशु मसीह से। नहीं, उसने सिर्फ बोला कि हे यीशु मसीह ये इतना इम्पॉसिबल है, इतना इम्पॉसिबल है जैसे कि अपने खुद के माँ के पेट में जाके वापस से जन्म लेना, इतना इम्पॉसिबल है, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, मैंने बहुत साल बिताए ऐसे, अगर आप आज बोल रहे हो मुझे वापस से बदलने के लिए तो मुझ में वो क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है।
जीसस नेवर गिव्स अप ऑन यू। चाहे आप कितना भी मेस में हो, चाहे आप कितने भी क्या बोलते हैं दुविधा में हो या सर्कमस्टांसेस आपके बहुत बुरे हो, फिर भी यीशु मसीह को आपके ऊपर विश्वास है। हम तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपको पता है कि यीशु मसीह को भी आप में विश्वास है। गॉड बिलीव्स इन यू। कितना भी बुरा आपका परिस्थिति हो, कितना भी आपने परमेश्वर को नकारा है, पुकारा हुआ है, सौल के जैसे, पतरस के जैसे, वापस से यीशु मसीह आपको अपना कर नए सिरे से बदल सकता है। 2 Corinthians 5:17, वो जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, उसका पूरा पुनरुद्धार, उसका पूरा परिवर्तन हो चुका है। 2 Corinthians 5:17, तुम्हारा जो पास है वो धर्म है, और ये धर्म तुम्हारे कुछ काम का आने वाला नहीं है।
जितना भी आप फास्टिंग करो, जितना भी आप दान धर्म करो, कुछ भी करो, अगर बाहर से दिखावे के लिए लंबे लंबे प्रार्थना करो या बाहर से दिखावे के लिए एक हाँ हेलो प्रेज द लॉर्ड करके और अंदर से कड़वाहट है, आपके पास से वो धर्म है वो खोखला है और यीशु मसीह उसके विरुद्ध है। यही धर्म ने यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है। हम तुम्हें धर्म देने के लिए नहीं आए, हम तुम्हें नया जीवन देने के लिए आए। अगर नया जीवन चाहते हो, नर्क से बचना चाहते हो, तो यीशु मसीह को अपना। आगे देखो क्या होता है, बस फाइव। यीशु ने उत्तर दिया कि ये सुना किसी को किस काम को पाने पर से वो आत्मा पर से निर्भर ना कि कोना ना ही देवा से राज्य प्रवेश करता लेने का। पानी वो आत्मा ने, पानी वो आत्मा ने, हमको लगता है ये पानी वाटर बैप्टिज्म है। तो मतलब यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि जब तक तुम वाटर बैप्टिज्म नहीं लेते हो तब तक तुम्हारा दान नहीं होगा। गलत। जॉन 4:2 कहता है, यूहान 4:2 कहता है कि यीशु मसीह ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। अगर यीशु मसीह ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया तो मतलब बपतिस्मा देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था सल्वेशन के लिए, तारण के लिए बपतिस्मा देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बपतिस्मा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक सिंबल है, वो एक सिंबल मतलब एक साइन, एक चिन्ह है, एक चिन्ह है कि अंदर परिवर्तन हो चुका है मेरा। पर यीशु मसीह ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। यहाँ पे जब कह रहे हैं कि पवित्र, यहाँ पे जब कह रहे हैं कि पानी और आत्मा से जन्म लेना चाहते हैं हम चाहिए, तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आपको पता है निकोडिमस को ओल्ड टेस्टमेंट बरोबर पता था, तो अगर निकोडिमस वहाँ पे बैठा है, यीशु मसीह जब कह रहा है पानी और आत्मा से, तभी निकोडिमस का माइंड एजिकल में जाता है। एजिकल ओपन, एजिकल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एजिकल 36 रेवलेशन के बाद, एजिकल 36:24-27 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटिफुल 36:24-27 कारण मी तुम्हाला राष्ट्रातून काढून आले, सर्व देशातून मी तुम्हाला जमा करून तुमच्या देशात आले, मी तुम्हाला शुद्ध पाणी शिंपले म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हा। मी तुम्हाला शुद्ध पाणी, यहाँ पे देखा पानी आ गया, ठीक है, और आगे बढ़ो। म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हा, तुमची सर्व मलिनता व तुमच्या सर्व मूर्ती यापासून मी तुमची शुद्धी करेन, मी तुम्हाला नवे हृदय देईन, तुमच्या ठाई नवा आत्मा घालेन, तुमच्या देहातून पाषाणमय हृदय काढून टाकेन व तुम्हाला मांसमय हृदय देईन, मी तुमच्या ठाई माझा आत्मा घालेन आणि तुम्ही माझ्या नियमाने चालेल माझे नियमे। मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा पानी से और मैं अपनी आत्मा तुझमें डालूंगा। कौन करेगा? अरे परमेश्वर करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। द ब्यूटी ऑफ नचा, द ब्यूटी ऑफ सल्वेशन, इसके सुंदर क्या जो बात है ये है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब परमेश्वर मेरे लिए करता है। मुझे सिर्फ बैठ के उस पर विश्वास करना है, इतना सिंपल है। और हम इतने सिंपल बात को भी नहीं मान सकते हैं। जीसस यहाँ पे कह रहे हैं निकोडेमस, तुम्हें ये सब छोड़ छाड़ के, ये जो भी है ये कार्य कार्य कार्य, तुम लगातार कार्य के बारे में सोच रहे हो, ये छोड़ो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंपो और परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देगा, नया दिल देगा, नया हृदय देगा और तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। हमें क्या करना है परिवर्तन के लिए? हमें क्या करना है नजात के लिए? हमें क्या करना है तारण के लिए? कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ विश्वास रखो, नजात पाओ। विश्वास रखो बस, काफ़ी है। इतना मुश्किल है विश्वास रखना। जब आप होटल में जाते हो, आप खाना खाते हो, ये नहीं पूछते हो कि वेटर यहाँ पे आओ, किसने बनाया, इसमें जहर डाला क्या, मुझे जहर दिख रहा है, मुझे लगता है कि इसमें जहर नहीं। जब आप रिक्शा में बैठते हो तो भी रिक्शा वाले से पूछते हैं क्या आपको चलाने आता है भाई। जब ट्रेन में बैठे हो तो बोगी के पास जाकर पूछते हो भाई आपको चलाने आता है, सब ठीक ठाक तो है, सब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह सब अच्छा चल रहा है? नहीं। जब आप सुबह उठते हो ब्रश करने के लिए तभी आप देखते हो कि आपका दांत है क्या? नहीं। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है कि है? आपको विश्वास है उस भाई पे जो गाड़ी चला सकता है? आपको विश्वास है ये खाने पे, जिसने भी बनाया होगा ये खाना ब्यूटीफुल है, ये खाना मुझे खाना है, खाते हो? अगर इस सारी चीज़ों में विश्वास रख सकते हो तो परमेश्वर में विश्वास रखना।
यहाँ पे वो कह रहे हैं रीड एफिशियंस 5:26 एफिशियंस 5:26